आपकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड होगी अगर वो वीडियो देखेगी तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप इनको वीडियो कॉल करते हैं रात के 3 बजे? How are you all? This is Adi and I'm finally back with another video. मुझे माफ कर दीजिए. I know that I'm coming after a very very long time. I know कि बहुत बड़ा gap था, लेकिन मैं क्या करूँ friends की. I was busy with some work and all that stuff. इसलिए मैं नहीं आ पाया. लेकिन अब मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ. ऑब्वियसली जैसे आपको पता होगा कि मेरे चैनल में एक्चुअली 2 वीडियोज थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिनको बहुत ज्यादा व्यूज मिले थे. पहला वीडियो था फिल्म सिटी का, जो Part 1 था मैंने बनाया था, और सेकेंड था Part 2. तो ये मैं बनाने वाला हूँ फिल्म सिटी Part 4, बिकॉज मैंने शायद तीसरा पार्ट भी बनाया था साउदर्न इंडिया का. लास्ट टाइम मैंने वॉज वर्किंग फॉर साउदर्न इंडिया. सो बेसिकली हम लोग जाने वाले एप्पल स्टूडियो, और एप्पल स्टूडियो वसई में है. अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो या मुंबई में भी रहते हो तो आपको वसई जगह पता है कि एक्जैक्टली वो कहाँ पे है. सो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ एप्पल स्टूडियो. मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड है जिसको आपने आई थिंक लोनावला वाले वीडियो में देखा था और मुंबई दर्शन वो वाले वीडियो में देखा था. अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक कर दीजिए. तो उनका नाम है, उनका नाम तो रवि है लेकिन हम उनको तिवारी जी बोलते हैं प्यार से. तो तिवारी जी आ जाइए जरा. हाय गाइस, मतलब हिंदी बोल सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलो. हिंदी हमारी पब्लिक हिंदी समझती है. मतलब गाइस कमेंट करना कि मैं हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश में, क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था, मैं यूजुअली ब्लॉग करता था इंग्लिश में. मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल सकता, मैं यूजुअली ट्राई कर रहा हूँ कि ये ब्लॉग जो है मैं हिंदी में करूँ. तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि मैं हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश में. तो आप बात कर सकते हो, बोलिए. अरे क्या हो गया, कुछ नहीं होता. मतलब ये बड़े शर्मा थे तिवारी जो है ना, बड़े शर्मा रहे, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, ये भी यूज टू हो जाएंगे लगता है. यू नो उनको थोड़ा सा मैं बताऊंगा बाद में. तो आपका क्या ख्याल है सर, आपने शूटिंग देखी है अभी? देखी है सर. कितने टाइम शूटिंग देख रहे हो? ज्यादा नहीं, हो गए 10 साल हो गए. 10 साल हो गए सर. शादी कर लोगे तो कैसे होगा सर? गाइज ये है, इनकी शादी हो चुकी है. शादी के बाद कुछ नहीं हो सकता. शादी के बाद ना घूम सकते हैं, ना बाहर हैंग आउट कर सकते, कुछ नहीं होता. इसलिए कहता हूँ गाइज कमेंट करो, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. नहीं करोगे तो ऐसे कैसे झेलोगे ये सब चीज़ें? अरे झेलना ही नहीं है, कौन झेलेगा. लाइफ में तो कुछ तो एंजॉय करना चाहिए. सही बात है. पता तो चलना चाहिए कि लाइफ कैसी होती है शादी के बाद. एंजॉयमेंट, वाह. सो फ्रेंड्स गाड़ी तो शुरू कर दी है मैंने, और अब हम निकलने वाले हैं एप्पल स्टूडियो. और उसके पहले यार बिना गॉगल्स पहने कोई गाड़ी चलाता है? हाँ, तो गॉगल पहना तो बहुत जरूरी है. तो अब ठीक है ना. एंट्रेंस पे हम आ चुके हैं, हमें जाना है ग्लांस प्रोडक्शन के पास. ये देखिए एप्पल स्टूडियो आ चुका है. एप्पल स्टूडियो में हम पहुंच चुके हैं. हम पार्क करेंगे गाड़ी. सो बेसिकली अभी मैं शूट पे हूँ, और जो मैं आपको शूट दिखाने वाला था हम यहीं पे कर रहे हैं. और मैं आपको हॉस्पिटल दिखाता हूँ, पहले हॉस्पिटल देख लेते हैं पहले. तो ये देखिए ये हॉस्पिटल है, ये कॉरिडोर है, ये पूरा सेटअप है. ठीक केबिन है, जैसे हम लोग इसको डॉक्टर का केबिन बता दें. ठीक है, मान लो डॉक्टर यहाँ से अंदर से आएंगे, इसके अंदर देखते क्या है. कुछ नहीं है सर, लाइट्स है. ये एक रिसेप्शनिस्ट है, ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं. और ये लाइट्स है. तो ये ऑपरेशन थिएटर है, हालांकि कुछ नहीं है, ये है बस सब. सी बेसिकली ये रिसेप्शन एरिया है, मेडिकल स्टोर, सब नकली है. हाई बोल दो यार कैमरे में, सब हाई बोल दो. हाय, दिस इज द डायरेक्टर, दिस इज द एक्टर, दिस इज द एक्टर, दिस इज द एक्टर. अच्छा, मोबाइल राइट नाउ इज एक्टर. अच्छा, प्रोफेशन से डॉक्टर है.
लेकिन इनकी कॉस्ट्यूम देख के मुझे लग रहा है डॉक्टर है कि लॉयर है। ये मिलिए, ये भी एक एक्टर है, ये डायरेक्टर है, नाउअडेज डॉक्टर्स वेयर सूट। ओके, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है अपने, दो अनमोल रतन आदि भाई। हाँ। दो अपने अनमोल रतन, अच्छा हस्बैंड वाइफ है लेकिन बहुत कमीने हैं, हस्बैंड वाइफ है। हाँ। है। अभी आदि भाई आपको मैं अपने डीओपी से भी मिलाते हैं। डीओपी दादा आओ, देव दादा एक और देव है। तो ये डीओपी है, ये दोनों देव एक साथ, ललित अरुण पायल पायल चौधरी, एंड ये बैठे हैं यहाँ पे नीलम। एक और आर्टिस्ट है साइड में, रीना खान। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअल में ये असली नर्स नहीं है, ये कैरेक्टर प्ले कर रही है, वरना लोगों को लगेगा कि आप एक्चुअल नर्स हो। एक्शन। अरे एक मिनट, अपना जिग्नेश अपना देव का है। अरे बोल ना, आवाज आएगा ना, बोल ना अपना आवाज, डायलॉग है ना तेरा, हस्बैंड किसके हैं ये? ए यार नहीं ले लो। तिवारी जी कैसा लग रहा है आपको शूटिंग देख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हमने भी कुछ शूटिंग में काम कर लिया आज, हमारा मौका नहीं था, हमने सोचा चलो हम भी कुछ हाथ पैर मार लेते हैं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं कभी कभी। तो बेसिकली ये पुलिस स्टेशन है और एक कोर्ट रूम का आउटडोर भी है, मतलब पुलिस स्टेशन का आउटडोर और कोर्ट रूम का आउटडोर बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया। अब आप गेस कीजिए कौन सी फिल्म में आपने देखा है। अरुण शर्मा हमारे साथ है और वो अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएंगे। ये मतलब एक वन लाइन में फिल्म किस बारे में? ये एक स्मोकिंग होता है। अच्छा, तो स्मोकिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में? बहुत कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की है, एक छोटी सी बस उसके आगे कुछ मत कीजिए, उसके आगे सस्पेंस है कि बस यही है कि स्मोकिंग इसका मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक इस। और इनके प्रोडक्शन का नाम है ग्लांस प्रोडक्शन। और ये फिल्म हम कहाँ पे देख सकते हैं? ये फिल्म ग्लांस प्रोडक्शन के पेज पे ही देख सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे? उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना। ये पेज कहाँ पे? फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अच्छा, तो जिन्हें भी ये फिल्म देखनी है आप ग्लांस प्रोडक्शन टाइप कीजिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई भी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। हाँ, यहीं से तेरे को लेके जाना है, ये देव जो फाइल है ना वो कलेक्ट करनी है तेरे को वहाँ से और निकल जाना सीधा। एक्शन। अच्छा, डिम्पी प्रेग्नेंट है लेकिन अभी कुछ प्रेगनेंसी दिख नहीं रही है। कुछ धमाका होने वाला है। अच्छा, धमाका हो चुका है क्योंकि दिख चुका है। बहुत धमाका है और इनको बहुत इनके पति परेशान करते हैं, बहुत शिकायत है इनकी। और वो पति देव है कहाँ? एक तो ये अरुण जी बैठे नहीं। अच्छा, ये सबूत है कि मेरा पति बेवफा है, मेरा सनम बेवफा है, ये प्रूफ है। रात को 3-3 बजे वीडियो को किसी आपको और अच्छा अभी उनसे भी मिलाते हैं आपको। उपाय तो हमारे सब्सक्राइबर्स बताएंगे, उनसे रूबरू कराते हैं। हाँ, तो ये कमेंट कीजिएगा, आप देखिए कमेंट कीजिएगा। पति नहीं, कमीना पति मेरा आ रहा है, ऑन द वे है। ओके, यही है वो आदमी जो सुबह 3 बजे तक किसी और लड़की से बात करता है, मिस्टर ललित। और ये फिल्म में सुधीर नाम का कैरेक्टर। अच्छा, तो आपकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड होगी अगर वो वीडियो देखेगी तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप इनको वीडियो कॉल करते हैं रात के 3 बजे? नहीं सर, ये हमारे पर सरासर इल्जाम है। हाँ ठीक है, कुछ जो है इल्जाम ये है कि 3 बजे नहीं करते, 2 बजे का इल्जाम, 3 बजे का है। मेरा पति ये सिर्फ झूठ और क्या बोलते हैं इनका कहना है, इनका पति बेवफा है। हाँ मतलब ये इनका कहना ये है कि ये वीडियो कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, जब साथ में रहता तो वीडियो कॉल की क्या जरूरत है? किसी और लड़के से करते हैं। उल्टा मुझे ये शक है कि मेरी बीवी का कहीं अच्छा किसी और के साथ जो है वो, इसीलिए उसी का कारण वो है जो आपके हाथ में है। ये स्मोकिंग इसलिए आया मेरे हाथ में क्योंकि तुम्हारा मुझे कहीं और ही लगता है। इनके हाथ बंधे हुए इसलिए इनके हाथ में नहीं है। शूट था, मैं मॉर्निंग में 7 बजे से लेके अगले सुबह 4 बजे तक मैंने फोन को टच नहीं किया और इसने एक बार भी फोन को नहीं छोड़ा। अरे देखो देखो, वैसे आपका फोन कहाँ है अभी? आपका फोन कहाँ है अभी? फोन साइड में रखा है। साइड में रखा है, ये देखो फोन भी हाथ में रखता है। तो सच्चाई आप क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, अभी कुछ नहीं कहना है। तो गाइज ये थी एक छोटी सी ग्लिम्स उनकी शॉर्ट फिल्म की और मैंने आपको दिखाया कि कैसा शूटिंग होता है, क्या होता है, कैसा होता है। और ये मॉनिटर है, वैसे मॉनिटर नहीं दिखाया, ये मॉनिटर क्लाइमैक्स चल रहा है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा आपका जो भी सजेशन, आप कमेंट कीजिए और इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा आपको। सो बिफोर सेइंग बाय, जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट नेवर गिव अप इन योर लाइफ एंड
होप टू सी यू सून बाय बाय